इलेक्शन बड़ा जरूरी था, इंडिविजुअल लेवल पे तो दो बंदों के साथ हुआ है, लेकिन आज ओवरऑल जो आपका प्रेस क्लब है और जहाँ जहाँ पे भी रहे हैं प्रेस क्लब के जो लोग हमारे साथ थे लाड़काना में, गंदर में, शाहपुर में, वो सब लोग अभी भी रहते हैं, क्योंकि ये कोई इस तरह से नहीं होता है कि वहाँ पे हैं तो वहाँ से चले गए हैं, तो अलग जो होता है ये परमानेंट होता है, अलग रहता है। जहाँ तक बात इन्होंने की कि अभी चीज़ें इत्मीनान बख्श हैं, या मैं थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए पुलिस जो है ना, पुलिस भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, और अगर हम ओवरऑल हर सेगमेंट उठा के देखें, टीचर देख लें, हॉस्पिटल देख लें, कोई प्रोफेशन रेवेन्यू वाला को देख लें, तो जितने अच्छे बुरे लोग हर प्रोफेशन में हैं उसी लिहाज से आपको पुलिस में सारे अच्छे भी नहीं हैं और सारे बुरे भी नहीं हैं, कंपोजिशन वही है जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी की कंपोजिशन है। बहरहाल डेफिनेटली जहाँ कोई चीज़ ऐसी हाईलाइट होती है उसको हमें देखना है। प्रायरिटीज़ मेरी बड़ी क्लियर है, मैं ऑलरेडी अपनी मीटिंग की कर चुका हूँ, मेरा पर्पज़ ये है कि जो आम बंदा है उसको रिलीफ कैसे मिले, क्योंकि पुलिस एक वायद डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको इमीडिएट मिलता है, जहाँ हर बंदा देख रहा होता है किसी का छोटा मोटा मसला है, पहला ख्याल उसके जहन में क्या आना है कि मैंने पुलिस के पास जाना है। किसी और महकमे का ये रोल नहीं है जो पुलिस को रोल दिया गया। बात पेटी मैटर्स होते हैं, हम कहते हैं कि रेवेन्यू का मैटर है, ये इनका घरेलू मसला है, ये वो नहीं। एक बंदा अगर उम्मीद लेके आया है तो उसको डिसअपॉइंट नहीं करना है। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि पब्लिक को जिस हद तक ये सके जिस हद तक उनके मसाए। इसके साथ साथ अगली चीज़ें साथ दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये इनिशियल है ऑफकोर्स, क्राइम कंट्रोल ना हो तो काफ़ी सोसाइटी इफेक्ट होनी होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के इशूज बाद ये कहा जाता है आप सब लोग बैठे कि ये ज़मीन का मैटर है, सिविल मैटर है, पुलिस इसमें क्यों हो सकता है, क्या पुलिस उस वक्त इंटरफेयर करेगी कि जब वहाँ पे तीन मर्डर हो जाएंगे उस मसले की वजह से, फिर तो पुलिस का मसला बन जाएगा। इसलिए वो क्रिमिनल अल्टीमेटली सिविल से क्रिमिनल जाना पड़ता है। तो इस तरह के जो इशूज हैं जो मतलब अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ों को लीड करते हैं वो हमें देखते हैं। बाकी आप लोग सारे जैसा मैंने कहा कि हर जगह पे प्रेस क्लब के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है, और आपकी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही होती है उसी पे चीज़ें आगे चलती हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट करें, जो बुरी चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट करें, और पॉइंट आउट करके हम इंटरेक्शन के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे और वो आपको नजर आए। लेकिन कहीं पे कोई वो जो बात की कि जैसे साफ जा रहे सोसाइटी के सारे सेगमेंट्स में आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एक्सप्लॉयटेशन, जो कि छोटी छोटी बातों को, तो वो ऑलरेडी पॉइंटेड आउट आपके पास हैं। मेरी ये तबीयत रही है कि मैं ऐसी चीज़ों को मतलब ये ब्लैकमेलिंग या ये चीज़ें मैं इन चीज़ों को फसल है कि मैं इनका सरबराह ऐसे अजीम लोग जो घंटे खा के लोगों के मसाइल की और उसकी बात करते हैं। ये मैं ब्रीफली 5 मिनट में कर दिए सारे अपने दोस्तों का ताल्लुक बनाना, ये खादन मदद का है। अब ये छुट्टी हो गया आज मेरे रूप में साल 2000 से ये बानी है जो आज मेरे अंदर ताकत दे गया है। ये टी वी टूडे जो चैनल है उसके मैंने मदद कभी मिली तभी तक ये दावेदार है कि 40 साल ये अपना अखबार है इनका लोकल सफी नामा राजा तबार है मनुष्य ये ब्यूरो टीम है जो नामा जहाँ फखर महमूद मिर्जा ये हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है और ये हाफिज अब्दुल गफूर मिनाकार है लोकल अपना अखबार की शायद भी और डान न्यूज चैनल है उसके डिपार्टमेंट मैन है और सीनियर अखबार में लिखा है हाफिज अब्दुल गफूर मिनाकार। आगे वो कमरे मान है ये अब अभी जिस तरह तेजी के साथ हम कह रहे हैं कि ये 5G का दौर है, अभी जिस तरह हम पुराने लोग हैं उसने आपने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि वो पुराने लोग भाग्यत उनकी अपनी जगह आप तो वो जिसने मोबाइल उठाया हुआ वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी हूँ, तो वो एक अभी ये टेक्नोलॉजी उसका दौर है। तो जियो न्यूज़ के साथ मेरे साथ ये
असिस्टेंट डायल हो गया था, सारा पूरा इलेक्ट्रॉनिकली। मैं बोलो बटन खोलना और दबाने के अलावा हमें तो इतना ज़्यादा आता नहीं है, तो पूरा एक जियो न्यूज की एक बड़ी बिग रिक्वायरमेंट है, बंदा पूरा ही नहीं हो सकता। वो कमरे का हाल उधर पूरा पहुँचा उधर दबाने में, और जियो न्यूज पर अभी ये चमना की खबर भी आपने देखी होगी, फ़ौरन रात को आई है, फ़ौरन जियो न्यूज पर भी ब्रेक हो गया। सदीक मलक साहब हैं, सीनियर साथी जो सदन है टकवाल जो नामा नुआए वक्त के टकवाल में नुमाइंदे हैं, और आज चैनल जो है उसके नुमाइंदे हैं। उनका तारक आशमी का तारक मुझे आशमी टी वी चैनल है उसके नुमाइंदे, और सीनियर लोग हैं जो प्रेस क्लब से आ रहे हैं। पंजाब साहब हैं ये अब तक न्यूज़ चैनल जो है उसके नुमाइंदे हैं। ये ख्वाजादा हमारे भाई हैं, ये धन तो उन्होंने ये टकवाल का हम कहते हैं ये जंग अखबार है, और ये 35 साल से 35 साल से पाइनियर रहे लोकल जर्नलिज्म का। और मुझे भी जो अवार्ड का मुला दिया वो किसी रिकग्निशन में लोकल जर्नलिज्म को प्रमोट किया, ये ख्वाजा का न्याज नहीं दान को हमने बदलती बड़ी जगह तरीका जी एडवोकेट है। ये के टी न्यूज चैनल है टी वी चैनल, उस दौरान लगभग मलक हैं नौजवान साथी हैं, ये पीने पाकिस्तान एक लिए अखबार है मंसूर शाह बुखारी का, ये पहले सबसे पहले एक वीकली अखबार है उसमें भी, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं जो शीशा से तो ये मंसूर शाह बुखारी हमारे नंबर हैं। सहीम अख्तर मलक साहब ये अक्सर होगा जो प्रेशर अखबार है हमारे पास है, तो सहीम अख्तर काजी साहब हैं ये मेट्रो न्यूज़ न्यूज चैनल है जो आई है, बलकार मीर साहब हैं ये सेक्रेटरी जनरल हैं जो आज तक क्लास के रोज़ न्यूज़ के, मोहम्मद खान आकल साहब ये सारा पूरी तरह बाहर देख रहे हैं सारी जिंदगी मतलब नदी पत्ती बाहर देती है सारा ये रेस्ट क्लास जो वो कहते हैं ना फील्ड में जो आगे लोग भेज कर रहे हैं पी एच डी हैं जी आकल साहब पुलिस खासकर पुलिस के ये राजा ताकत बात है जी। और ये अभी वो मैं जरा लोग अपने दोस्तों को भी भाई खाली आके माइक उठाना नहीं है, ये कोई क्या कुछ भी हो तो दिखाना है, फिर मतलब ज़्यादा उठाने वाला दिखाने वाला हमारा काम है। ये राजा ठाकुर बात ये हमारे नौजवान फैक्ट्री हमें लेती हैं, तो ये दूसरे चौथे दिन जिस तरह आकल साहब रोज न्यूज रोजाना दिखाते हैं, तो ये सच न्यूज भी आप अभी देखेंगे आगे चल के, तो ये एक फ्रीक्वेंट ही मतलब चैनल राजा ठाकुर बात होते हैं। तो मैं खोजा बाबल सिंह मैं जंग न्यूज और जियोगढ़ में, और मैं अल्लाह बहुत बड़ा सबसे मैं प्रेस क्लब भी खुद बनाया 35 साल से मैं ये सारा सारा दोबारा ये एक अखबार प्रिंट मीडिया के लिए अलहमदिल्ला सीनियर लोग आपको फिर एक दफा खुश हमले कहते हैं, और मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिव लोग हैं ये सारे, और बिल्कुल जो अच्छा काम होगा फिर उसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव हैं तो फिर निशानदेही की इंशाला होगी जो इधर कोई कोई गलतियाँ बताइए, क्योंकि पुलिस के हवाले से कभी भी इतमान वक्त होना ये बड़ा मुश्किल है जिस तरह दोबारा